गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज हम करते हैं कक्षा चार का गणित, ठीक है। मैथ के अंदर जो हमारा पेज नंबर 18 यानी कि 18 नंबर पेज है, उस पर लिखा हुआ है शब्दों में लिखना, ठीक है। शब्दों में यहां पर संख्याएं दी गई हैं कुछ, ठीक है, और उन संख्याओं को हमने अंकों में दिया हुआ है, यहां पर उन्हें शब्दों में लिखना है। जैसे पिछले सवाल में हमने किया था ना कि शब्दों में संख्याएं थी उनको हमने अंकों में लिखना था, और यहां पर क्या है, जो संख्याएं अंकों में दी गई हैं उन्हें हमें शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है, यहां पर संख्याएं दी गई है 1, 0, 7 और 1, क्लियर है। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इनका स्थान देखना है कि इनका स्थान क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीछे से शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, चार संख्याएं हैं, चार अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है, और वो कहां तक है, हजार तक। तो हम यहां पर एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार का, ठीक है। सबसे पहले इकाई, पीछे से इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा और फिर हजार। अब हम देखेंगे इकाई में जो ये संख्या दी गई है उसमें इकाई का अंक क्या है हमारा, 1, दहाई का क्या है, 7, यानी कि 7 दहाई। 7 दहाई कितना होता है, 70 होता है, 70 और 1 कितने हो गए, दो संख्या ये 71, यानी कि ये दो संख्या जो दो अंकों की संख्या है पीछे वो कितना है, 71। सैकड़े में कोई भी अंक नहीं, शून्य दे रखा है यहां पर सैकड़े में, यानी कि इसका जो मान है वो शून्य है। और हजार में कितना मान है इसका, 8, यानी कि 8 हजार, ठीक है। तो संख्या क्या बनी हमारे पास, 8 हजार और पीछे कितना है, 71। तो हम इसको शब्दों में कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम 8 हजार 71, क्लियर है, 8 हजार 71। उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं, 2985, अब ये चार डिजिट की संख्या है, इसको देख लेते हैं हम, इकाई में क्या है, 5 है, ठीक है, दहाई में कितना है, 8 है, तो 8 दहाई और 5 इकाई कितने हो गए, 85, 85 हो गए ना, हाँ। तो सैकड़े में कितने हैं, कितने सैकड़े हैं, 9, तो 9 सैकड़े का मतलब कितना होता है, 900, तो संख्या क्या बन रही है यहां पर, 985। लेकिन आगे हजार में भी कितना दे रखा है, 2, तो टोटल संख्या कितनी बन गई है, 2985। तो यहां पर लिख देंगे हम सिंपल इसको, 2985, ठीक है, 2985। अब उसके बाद यहां पर संख्या देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, चार अंक हैं, हजार तक की संख्याएं हैं, इकाई में कितना है, 1, दहाई में 8, 8 दहाई 1 इकाई कितना हो गया, 81, सैकड़े में 2 यानी कि 200, तो संख्या बन गई 281। अब हजार में कितना है, 3, तो कितने बन गए, 3,281। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3,281 हो गया, 3,281। उसके बाद क्या है देखें, 2010, ठीक है। अब इकाई में कितनी है, 0, दहाई में 1 दहाई कितने अंक बन गए, 10, सैकड़े में कितना है, 0, तभी भी 10 है, हजार में कितना है, 2 है, तो 2000 और इधर कितना है, 10, तो संख्या क्या बन गई हमारी, 2010। तो लिख देंगे इसको 2010,
और 10, 2010, ठीक है। जैसे अब जो ईयर है हमारा, साल है, कौन सा चल रहा है, वो 2020, 2020, क्लियर है। उसके बाद है ये अंतिम सवाल हम समझाएंगे, उसके बाद जो चार संख्याएं हैं वो आप अपने आप करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी समझ में आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इसका आंसर जरूर देंगे, ओके। तो देख लेते हैं ये सवाल को, इकाई में कितना, यहाँ पे देखें 3 है, दहाई में 0 है, सैकड़े में 4 है, तो 4 सैकड़े मतलब 1 सैकड़े का मतलब 100 होता है ना, 4 सैकड़े का मतलब 400, तो कितना होगा 403, और हजार में कितना है 5 है, तो 5403, क्योंकि इकाई में 3, दहाई में 0, सैकड़े में 4 सैकड़े, और हजार में 5000, तो 5403। तो जो संख्या बनेगी हमारी क्या बनेगी, वो 5403, 5403। उसके बाद यही देखो, इकाई इकाई में 5 है, दहाई में 0, सैकड़े में 0, हजार पे 9, संख्या देखें क्या बन गई। उसके बाद है इकाई में अगर 2, दहाई में 0, हजार में सॉरी सैकड़े में 4, और हजार में 6 है, तो देखो संख्या क्या बनेगी, 6 4 0 दो, क्या संख्या बनेगी, आपको लिखना है इसको। अगला सवाल है, इकाई में 9 है, दहाई में 3 है, सैकड़े में फिर 9 आ गया, और हजार में है 7, तो संख्या देखें क्या बनेगी। अंतिम सवाल है, इकाई में है 2, दहाई में 0, सैकड़े में सॉरी दहाई में है 7, सैकड़े में 0, और हजार में है 4, ठीक है। तो आप इन संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे, कोशिश कर रहे आप, और जरूर कर सकते हैं इसको, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको ये समझ में आ गए तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई उलझन है तो आप हमें मैसेज कर देना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।